आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज हिंदुस्तान की आवाज। मैं आपके साथ साहिल सुल्तान। देश देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कानपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर के जरीब चौकी के नजदीक गुंजन टाकी के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने रोड पर गरीबों की भूख दूर करती रोटी बैंक। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, न ही सरकारी सेवा। ये कानपुर के रहने वाले अंकुर और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई एक पहल है। रोटी बैंक ग्रुप का सपना ना रहे कोई भूखा अपना, जगह जगह भूख दूर करती रोटी बैंक गरीब व असहाय लोगों का सहारा। रोटी बैंक अंकुर ग्रुप के सहयोगियों का सपना है कि कानपुर के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, जिसके लिए वो सदैव प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि समाज सेवा हर व्यक्ति को नहीं मिलती, जिसे भगवान समाज सेवा और परोपकार करने का वरदान देता है उनको ही ये सेवा का मौका मिलता है। अंकुर ग्रुप चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके इस अभियान से जुड़े और जो लोग समाज सेवा के इस काम में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। समाज सेवा रोटी बैंक अभियान को चलाने वाले प्रमुख रूप से इस ग्रुप में शामिल हैं अंकुर पांडे, प्रशांत मिश्रा, पीयूष मिश्रा, आनंद अवस्थी, शैलेंद्र पांडे, प्रशांत सक्सेना, मधुर साहू, अमित पांडे, अभिनव भट्ट, अमरीश पाल। इन सब लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लाइव टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक साथ कानपुर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट। अंकुर पांडे जी, कार्यक्रम क्या हो रहा है? कार्यक्रम हम लोग करीब डेढ़ वर्षों से शहर के विभिन्न चौराहों पे रोटी वितरण कार्यक्रम चला रहे हैं। 200 रोटियों ने जब उन्होंने स्टार्ट किया था कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हम लोग का हुआ था डिक्की पड़ाव पर, 200 रोटियों से कार्यक्रम स्टार्ट किया था। आज हम लोग करीब 2000 के लगभग 1800-2000 रोटियाँ बांटते हैं हम लोग संडे को। तो आज ये कार्यक्रम कहाँ पर रखा हुआ है? आज हम लोग का कार्यक्रम ये गुंजन टाकी के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर ये कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। अच्छा, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा आगे का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग अपनी हैसियत के हिसाब से अपने लोगों के साथ मिलकर कम से कम किसी भूखे को एक वक्त की रोटी या किसी जरूरतमंद को एक वक्त की रोटी उपलब्ध करा सकते, ये उद्देश्य है। अच्छा, ये टीम है या पर्सनल चला रहे हैं आप? ये हम लोग पर्सनल चला रहे हैं, हम लोग जो ग्रुप के सब साथी हैं, हम लोग सब मित्र यार मिलकर हम लोगों ने बैठे कि यार कुछ करना चाहिए, ऐसे अकेले क्या किया जा सकता है। तो हम लोगों ने बैठ के सोचा तो कुछ लोगों से इंस्पायर भी हुए कि जो लोग चला रहे थे इस प्रकार के कार्यक्रम, फिर हम लोगों ने इस तरह से ये कार्यक्रम भी करीब 1.5 साल पहले हम लोगों ने चालू किया लगभग, निरंतर 1.5 साल से हम लोग ये कार्यक्रम हर चुनाव में चलाते हैं। यानी कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं इसमें? हम लोग ग्रुप में करीब 30 से 40 लोग हैं। 40 लोग हम लोगों ने ग्रुप रजिस्टर भी नहीं कराया और हम लोग किसी के आर्थिक रूप से सहयोग लेते हैं। हम लोग पर्सनल अपना अपने घरों से रोटियां लाते हैं या फिर कुछ होटलों से अपना सपोर्ट लेकर अपना टारगेट ले रखा है कि कोई 40 रोटी लाता है, कोई 50 ला रहा है, कोई 100 ला रहा है, कुछ लोग 200 रोटियां देते हैं, कुछ 100 ले रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग आपस में कलेक्शन करके हम लोग सब्जी अचार और गुड़ का वितरण हम लोग रोटी के साथ करते हैं। यानी हर चौराहे भी करते हैं? हाँ, हम लोग महीने दो महीने किसी चौराहे कर लिया, महीने दो महीने बाद किसी चौराहे कर लिया, उसके पहले हम लोग चंद्रका देवी में भी कार्यक्रम चलाया, हम लोगों ने गिरवाई नगर चलाया फिर कार्यक्रम चलाया है। अब हम लोग करीब 2 महीने से कार्यक्रम यहाँ चला रहे हैं चौराहे। आगे कार्यक्रम चलाने का क्या उद्देश्य है? आगे हम लोग हाईलाइट का वो लेके चल रहे हैं क्योंकि हाईलाइट सबसे ज़्यादा जरूरतमंद रहते हैं, लेकिन वहाँ के लिए हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि और भी लोग हमसे जुड़े ताकि हम लोग वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम चला सकें क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जरूरतमंद लोग हैं। 2000 रोटियों में वहाँ किसी को कुछ होना नहीं, कम से कम वहाँ जब तक 4-5 हज़ार रोटियों का हम लोग का लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक हेलमेट में चलाने का कोई मतलब नहीं। वहाँ जाके अगर हम लोग किसी पूरे लोगों को एक व्यक्ति रोटी भी ना दे पाए तो हम लोग चलाने के लिए हम लोग और भी लोगों से अपील करते हैं ताकि हम लोग के साथ जुड़े और हम लोग को मजबूती दे ताकि हम लोग शहर के और भी स्थानों पर और भी साथ एक साथ हम लोग एक संडे में अगर और भी जाके तो हम लोग जुड़ जाएँ तो शहर के विभिन्न जगहों पर एक साथ कार्यक्रम चला सकते हैं हम लोग। तो लगातार देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़ हिंदुस्तान की आवाज़। नमस्कार।